जिसे चमकना होता है वो किसी भी परिस्थितियों में चमक ही जाता है। ऐसा ही कुछ सतना से सामने आया है, जहां 12वीं की परीक्षा में इस बालक ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। बिरसिंहपुर तहसील के पगार खुर्द गांव के लड़के ने कृषि संकाय की 12वीं परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त करके सबको गौरवान्वित किया है। हलवाई का काम करने वाले बेटे सत्यम साहू ने 476 नंबर प्राप्त करके गाँव के साथ ही जिले का नाम रोशन किया है। सत्यम अपनी खुशी पर फूला नहीं समा रहा है। सुबह 1 घंटे और शाम को 6 से 10 बजे तक, ज़्यादातर तो कुछ नहीं आती थी, बस यही है कि स्कूल जाने के लिए साइकिल से जाना पड़ता था और सुबह 8 बजे जाना पड़ता था कोचिंग के लिए। बाकी और तो कुछ कठिनाई, एक स्कूल यहाँ से 8 किलोमीटर होगा। श्रेय फर्स्ट तो अपने माता पिता को, सेकंड हमारे जो टीचर्स थे और कुछ अपने फ्रेंड्स को, कहा कि वो भी स्टडी में बहुत मदद करते थे और बाकी घर में जो पढ़ते थे और कोचिंग में सर पढ़ाते थे, स्कूल में भी पढ़ाते थे। उनहार सत्यम साहू के पिता संजय साहू हलवाई का काम करके घर का पालन पोषण करते हैं। गांव में कच्चा खपरेल मकान है, बावजूद इसके सत्यम रोजाना घर से 8 किलोमीटर दूर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल चलाकर पढ़ने जाता था और घर आते ही पढ़ने में व्यस्त हो जाता था। जब रिजल्ट का पता घर वालों को चला तो जश्न का माहौल हो गया। 8 बजे जाता था, 4 बजे वापिस आ रहा था, फिर इसके बाद बस खाना पीना खा के फिर वही अपना पढ़ाई में बिजी रहता था। 10 बजे मतलब कोई देखता ही नहीं था, यदि कुछ भी मांगे ना इससे कुछ देता नहीं था, बस खाली पढ़ाई में बिजी रहता था बस। वो कैसे सर? कुछ नहीं, साइकिल थी सर खरीदे, खुद साइकिल में जाता था और साइकिल में आता था, जब साइकिल बिगड़ जाए। सत्यम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों के साथ ही मित्रों को दिया है। सत्यम के मुताबिक वो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। सत्यम साहू की सफलता पर विद्यालय के व्यवसायिक प्रशिक्षक गोपाल पांडे भी खुश हैं। क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा खुशी है कि हमने जिस छात्र को पढ़ाया, कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में हमने उसको पढ़ाया, उसने हमारा नाम और अपने स्कूल का नाम बहुत ही ऊपर पहुँचाया है, इसमें हमें इतनी खुशी कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल पांडे है, मैं यहाँ पे व्यवसायिक प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य राम सिंह चक्रवर्ती का कहना है कि सत्यम उनके विद्यालय का होनहार छात्र है। विद्यालय के सभी शिक्षक उसकी मदद करते थे और उसकी सफलता पर प्रसन्नता हो रही है। जो सत्यम साहू नाम जो छात्र हैं, ये बहुत ही होनहार छात्र हैं और ये छात्र जो है पढ़ने में बहुत ही लगनशील और बहुत ही मेहनत परिश्रमी छात्र हैं और ये शुरू से ही मेहनत किए हैं और जहाँ भी उनको समस्या रहती थी तो हमारे टीचर्स जैसे गोपाल सर हैं और त्रिपाठी जी हैं, मिश्रा जी हैं, मतलब कि उनका हर प्रकार से सहयोग करते रहे आए हैं और इसीलिए उन्हीं की वजह से इतने मार्क्स लाए हैं, प्रदेश में तीसरा स्थान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय से जो सत्यम साहू छात्र जो हैं तो हमारे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल करके हमारे विद्यालय को वहाँ तक मध्य प्रदेश में नाम रोशन किए हैं और हमारे क्षेत्र का बिरसिंहपुर का भी नाम रोशन किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सुख चक्रवर्ती है। सत्यम साहू की सफलता पर जहां घर और गांव वाले खुश हैं, वहीं शिक्षक भी कम उत्साहित नहीं है, लिहाजा जश्न का दौर जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनमोल मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।